वेलकम टू माय क्लास इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम देर आर नंबर ऑफ लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शंस गिवन टू अस हियर ए कम्प्लीट लिस्ट ऑफ ऑल लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शंस इज गिवन टू यू ऑल फंक्शंस लिस्टेड हियर आर डिस्क इन सेपरेट वीडियो लेक्चर्स लेट अस स्टार्ट इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ वी लुकअप एंड लुकअप फंक्शन को टेकअप करूंगा

एक टेबल आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं और दूसरी टेबल हमारे पास राइट साइड पे दी गई है इन दोनों टेबल्स के बेस के ऊपर मैं आपके सामने तीन डिफरेंट फंक्शंस को यहाँ पर टेकअप करूंगा वन विद द डिफाइंड नेम्स सेकेंड विद द लिटल एरे एंड द थर्ड वन इज एरे एज एन आर्गूमेंट लेफ्ट साइड के अंदर टेबल के अंदर मेरे को स्टूडेंट के नेम और मार्क्स दिए गए हैं राइट साइड के ऊपर मुझे एक टेबल दी गई है जिसके अंदर हमारे पास मार्क्स और ग्रेड्स हैं इट मीन्स जिस स्टूडेंट के मार्क्स ज़ीरो से थर्टी नाइन है उसे एफ़ ग्रेड दे दो जिसके मार्क्स फोर्टी से फिफ्टी नाइन है उसे डी ग्रेड दे दो जिसके मार्क्स सिक्सटी से सेवेंटी नाइन है उसे सी ग्रेड दे दो और जिसके मार्क्स एटी से एटी नाइन है उसे बी ग्रेड दे दो एंड लास्ट जिसके मार्क्स नाइन्टी एंड अबव है उसे ए ग्रेड दे दो हमें इन स्टूडेंट्स को यहाँ पर ग्रेड्स देने हैं और इसके लिए मैं डिफरेंट फंक्शंस को टेकअप करूँगा सबसे पहले मैं डिफाइन नेम के जरिए वी लुकअप के फंक्शन को लूँगा सो so, इसके लिए मैंने राइट right साइड के ऊपर दी गई पूरी टेबल को टेकअप कर लिया लेकिन मैंने यहाँ पर इनके हेडर्स नहीं लिए आई गो टू द फार्मूलाज फार्मूलाज के अंदर डिफाइन नेम के अंदर मैंने क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पर एक न्यू नेम बॉक्स आ गया इस न्यू नेम बॉक्स के अंदर मैं नेम के अंदर ग्रेड्स दे रहा हूँ इट मीन्स कि मुझे ये नाम चाहिए स्कोप के केस के अंदर इस पूरी टेबल को नेम डिफाइन कर दो ग्रेड्स पूरी वर्कबुक के लिए कमेंट के अंदर मैं कुछ नहीं दूंगा और रेफरस टू के केस के अंदर मैंने यहाँ पर देखा कि ये शीट नंबर फाइव है फर्स्ट इज शीट नंबर फाइव और उसके बाद एल सिक्स से एम सेवन तक एल सिक्स से एम सेवन तक ये रेंज ली गई है आई से ओके अब आप स्टूडेंट देखिएगा मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर नेम बॉक्स के अंदर ग्रेड्स आ गया इट मीन्स हमने इस पूरी टेबल को ग्रेड्स का नाम दे दिया है सो डिफाइंड नेम्स के केस के अंदर मैं नेम को यूज़ करके यहाँ पर वी लुकअप के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ दिस इज इक्वल्स टू

So, पर टेबल के अंदर सेल रेफरेंस नहीं आया बल्कि हमने जो नाम दिया था वो नाम यहाँ पर आ गया कॉमा, इंडेक्स इस टेबल के अंदर किस कॉलम कॉलम से को को करो मेरे को में दिए गए हैं आई राइट इट हेयर टू इसके बाद हमारे पास एक और आर्गुमेंट है रेंज लुकअप दैट इज ऑप्शनल आर्गुमेंट मैं इस आर्गुमेंट को इग्नोर कर रहा हूँ पेरेंथ क्लोज आई प्रेस एंटर फर्स्ट केस के अंदर जिस स्टूडेंट का नाम आदित्य है इसके 38 मार्क्स हैं इसका ग्रेड एफ है अब मैं फिल हैंडल को सिलेक्ट करके डाउन कर देता हूं मेरे पास सभी स्टूडेंट के यहाँ पर मार्क्स के सामने ग्रेड आ गए जिस पर्टिकुलर फार्मूले को हमने यहाँ पे यूज किया है ये मैंने आपकी रेफरेंस के लिए नीचे दे दिया नाउ आई मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट इज लिटरल एरे वी कैन यूज ए लिटरल एरे इन द प्लेस ऑफ ए लुकअप टेबल इस पर्टिकुलर केस के अंदर मैं वी लुकअप के फंक्शन को ले रहा हूं लुकअप वैल्यू में इस वैल्यू को देखो जो कि के अंदर दी गई है फर्स्ट आर्गुमेंट अब टेबल एरे के अंदर मैं यहां पर इस टेबल को नहीं दूंगा बल्कि लिटरल एरे को ही दे दूंगा लिटरल एरे को देने के लिए मैं यहां पर कर्ली ब्रैकेट लगाता हूं इसके बाद जीरो और अब मैं कोटेशन मार्क के अंदर एफ दे रहा हूं एफ के बाद कोटेशन मार्क क्लोज्ड और कॉलन। ये एज ए सेपरेटर का काम करेगा उसके बाद फोर्टी कॉमा कोटेशन क्लोज्ड। इसके बाद अगेन सेमीकोलन देन सिक्सटी कॉमा कोटेशन मार्क के अंदर सी कोटेशन मार्क स्टार्ट और कोटेशन मार्क क्लोज सेमिकॉलन एटी कॉमा कोटेशन मार्क स्टार्ट बी कोटेशन मार्क क्लोज और इसके बाद सेमी कॉलन देन इन द लास्ट नाइन कॉमा कोटेशन स्टूडेंट ये मेरे पास लिटरल एरे आ गया हमने यहाँ पर मार्क्स और ग्रेड्स की ये टेबल की रेफरेंस देनी थी ये नहीं दी और इसकी जगह पे हमने ये लिटरल एरे दे दिया द नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट इस कॉलम इंडेक्स नंबर और कॉलम इंडेक्स नंबर के अंदर दिस इज माई फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज माई सेकेंड कॉलम तो मैंने यहां पर टू दे दिया पेरेंथेसिस क्लोज आई प्रेस मेरे पास यहां पर फर्स्ट स्टूडेंट का रैंक निकल कर आ गया मैंने फिल फिलहाल के जरिए इसको डाउन कर दिया मेरे पास सभी स्टूडेंट के ग्रेड्स यहाँ पर आ गए जिस पर्टिकुलर लिटरल एरे के फॉर्मूले को हमने वी लुकअप के अंदर यूज किया ये मैंने आपकी रेफरेंस के लिए नीचे दे दिए नाउ आई मूव ऑन टू थर्ड पॉइंट एरे एज एन आर्गूमेंट लुकअप फंक्शन के अंदर मैं दो एरे आर्गूमेंट को पास करूंगा लुक लुकअप फंक्शन द फर्स्ट वन इज लुकअप वैल्यू किस वैल्यू को देखना है दैट इज गिवन टू अस इन सेल नंबर सी सिक्स कॉमा करली ब्रेकेट स्टार्ट आई राइट इट हेयर जीरो फोर्टी इट मीन ज़ीरो से ये फोर्टी की रेंज है कॉमा सिक्सटी ये फोर्टी से सिक्सटी की रेंज है कॉमा एटी कॉमा नाइन्टी करली ब्रैकेट क्लोज कॉमा दिस इज माई लुकअप वैल्यू अब मुझे एरे देना है तो एरे के केस के अंदर मैं एक बारी फिर कर्ली ब्रैकेट को स्टार्ट करूँगा और कोटेशन मार्क के अंदर एफ दूंगा सबसे पहले कोटेशन मार्क क्लोज कॉमा इसका स्टूडेंट मीनिंग देखेगा जब ये जीरो से थर्टी नाइन तक देखे तो एफ दे दे और जब ये फोर्टी से फिफ्टी नाइन देखे तो उस केस के अंदर कोटेशन मार्क स्टार्ट ये डी ग्रेड दे दे कॉमा कोटेशन मार्क स्टार्ट सी कोटेशन मार्क क्लोज कॉमा कोटेशन मार्क स्टार्ट बी कोटेशन मार्क क्लोज कॉमा कोटेशन मार्क स्टार्ट ए कोटेशन मार्क क्लोज आई क्लोज द करली ब्रैकेट आई क्लोज पेरेंथिस यहाँ पर ये मेरा फंक्शन कंप्लीट हो जाता है आई प्रेस एंटर जैसे मैंने एंटर प्रेस किया मेरे पास आदित्य स्टूडेंट जिसके मार्क्स 38 एट हैं उसका ग्रेड एफ आ गया मैंने हैंडल को सिलेक्ट करके डाउन कर दिया मेरे पास सभी स्टूडेंट के ग्रेड निकल कर आ गए इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमने लुकअप के इस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज़ किया है सो so स्टूडेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्स्ट केस के अंदर हमने वी लुकअप के अंदर डिफाइंड नेम को यूज़ किया सेकेंड केस के अंदर हमने वी लुकअप के अंदर लिटरल एरे को यूज़ किया है और थर्ड केस के अंदर हमने लुकअप के अंदर दो आर्गूमेंट एज ए एरे आर्गूमेंट्स दिए हैं पहला मार्क्स का और दूसरा ग्रेड्स का सो वी गॉट द आंसर स्टूडेंट ये फर्स्ट टाइम देखने में कुछ ट्रिकी लगता है बट दिस इज़ अ वेरी पावरफुल इम्प्लीमेंटेशन मैं उम्मीद करूंगा अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा थैंक यू वेरी मच